हरिया टोल पर हाल ही में नए टेंडर होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए स्थानीय लोगों में गलत रूप से टोल वसूलने के खिलाफ आसपास के सैकड़ों ग्रामीण और मोटर मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन टोल अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे। इसके कारण लोगों ने सांकेतिक रूप से टोल को जबरदस्ती बंद करवा दिया, जिससे टोल के दोनों ओर लगभग एक एक किलोमीटर तक जाम लग गया। फिर रोल थाना एवं सुरपालिया थाना के पुलिस अधिकारियों ने इसके बीच मध्यस्थता करवाकर समझौता करवाना चाहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान RLP नेता एवं प्रदेश मंत्री अनिल बारूपाल मौके पर पहुंचे और उनके साथ RLP जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और मोटर मालिकों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में टोल प्लाजा के अधिकारियों से दोबारा समझौता वार्ता की, जिसमें पूर्व की तरह 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहन टोल मुक्त रखने एवं बस मालिकों से भी पूर्व की भांति रियायती दर पर टोल वसूले जाने की बात पर सहमति बनी। इस दौरान हनुमान भाकर, पूर्व जिलाध्यक्ष RLP, रोल थाना पुलिस के अधिकारी नैनूराम सुरपालिया, थाना के पुलिस अधिकारी मेहराम पंवार, श्रमराम श्रवणाराम, प्रेमाराम राकावत, बस मालिक सुरजाराम डुकिया, श्याम बेनीवाल, सुरेश शिवशक्ति ट्रेवल्स, रामकिशन गोदारा, दिनेश चांदू, लाल सिंह रामदेव, खिमराज टांक मौजूद रहे। नमस्कार, मैं रामदेव चाबा, न्यूज प्लस आपका स्वागत है। यहाँ टोल रीमा पर बलवा बस वालों और टोल मैनेजर्स की मनमानी से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। टोल मैनेजर ने कहा है 7,000 रुपये महीने का लेना पड़ेगा, लेकिन बस वालों ने कहा हम 1,500 रुपये देंगे, इसलिए यहाँ पर जाम लगा रखा उन्होंने। धन्यवाद।